यावान के अपने शीश चढ़ाए भगवान की जय। मोक्ष मार्ग सनेतारम वीरतारम प्रभुतां यातारम सत्वानां वंदे तदुर्णवदे महास्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। मोक्ष तंत्रराज की जय। कल आपने पढ़ा था कि शुद्ध वेद्य शुभाय और नाम गोत्राणी पुण्यम, मतलब साता वेदी कर्म, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये प्रकृतियां जो है पुण्य प्रकृतियां कहलाती हैं। उच्च गोत्र मिलना पुण्य से मिलता है, शुभ आयु पुण्य से मिलती है, त्रियंच आयु मनुष्य आयु देवायु त्रियंच आयु, ये तीनों पुण्य प्रकृतियां शुभ प्रकृतियां, और सुंदर सुंदर समचरण संस्थान आदि ये सब पुण्य प्रकृतियां। कब मिलता है ये? जब आपकी भावनाएं शुभ होती, यदि आपके विचार आपका चिंतन आपकी भावनाएं शुभ है तो शुभ भावनाओं से आपको शुभ की प्राप्ति होती है और अशुभ भावनाओं से अशुभ की प्राप्ति होती है। कोई देने वाला नहीं हमारे लिए, कोई भगवान नहीं बैठा हुआ है कि वो राक्षस को अशुभ देगा देवों को शुभ देगा, ऐसा नहीं। कोई भेदभाव हमारे यहाँ पर नहीं है, भगवान ऐसे भेदभाव नहीं करते हैं कि वो पक्षपात करें। और ये जो मिलता है हमें अपने ही कर्मों से मिलता है, अपने ही भाग्य से मिलता है, अपने सौभाग्य से मिलता है। पाप प्रकृतियां कौन सी होती है? इसमें आ रहा है हमारे साथ, बोलिए अतोन्यत पापम। अतोन्यत पापम, अतो मतलब इसको छोड़ करके, इसको छोड़कर अन्यत जो भी है वो पाप प्रकृति है। द कर्मास अदर देन दिस और पाप, पापा और डीमर इज कर्मास, मतलब जिन कर्मों से आपको अशुभ का बंध होता है वो अशुभ कर्म कहलाता है, पाप कर्म कहलाता है। वो कौन कौन सा है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सद वेद्य साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, इनको छोड़ करके जो प्रकृतियां होती हैं वह पाप प्रकृति होती है। कौन कौन सी इसमें आती है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि पुण्य प्रकृति को छोड़कर पुण्य कर्म जो है नाम कर्म है, उसके अलावा जो प्रकृति है उसमें पकड़ लीजिए करीब करीब 82 प्रकृतियां पाप प्रकृति कहलाती है। कितनी? 82। उसमें ज्ञानावरणी की 5, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन प्रज्ञान के ज्ञानावरण, ये ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरणी की 9 और मोहिनी की 26, अंतराय की 5, नरक गति, त्रियंच गति। देखो त्रियंच गति के परिणाम अशुभ हैं और त्रियंच आयु शुभ है। हाँ, त्रियंच गति के परिणाम अशुभ कहलाते हैं क्योंकि हाँ त्रियंच गति में जाता अशुभ परिणाम से जाता है, पर त्रियंच गति में जाकर जीव त्रियंच आयु का उदय होने पर वो आयु शुभ मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि वहां जाकर के वो धर्म कर सकता है, सम्यक दृष्टि बन सकता है, रत्न त्रय का धारी बन सकता है, इस कारण से उसको कहते हैं पुण्य प्रकृति। अभी स्वाध्याय तो हमारा चल ही रहा है और उसके साथ साथ में अभी जो हमारे बालाजी नगर के मूल नायक कल्पतरु कुंतनाथ भगवान हैं, उनका भी अभिषेक यहाँ पर दिखलाया जा रहा है। आज भगवान कुंतनाथ भगवान का वर्धापन दिन है। आज 6 जनवरी को ही भगवान कल्पतरु कुंतनाथ भगवान, उनकी प्रतिमा विराजित हुई थी और उसका मोक्ष कल्याणक संपन्न हुआ था 6 जनवरी 2006। तो आज भगवान को विराजमान होकर के लगभग 14 साल हो चुके हैं और मंदिर में मंदिर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कमेटी के मेंबर वगैरह सभी वहां पर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। हम भगवान कुंतनाथ जी भगवान के जो कल्पतरु कुंतनाथ हैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, चारों चारों का आशीर्वाद। बिल्कुल शिलक नमन सागर जी वहां पर हैं जो कि विषय संपन्न करा रहे हैं, तो चारों आप भगवान के पास में और पास में ले जाइए उसको मोबाइल को, जिससे भगवान अच्छे से दिखलाई पड़े। भगवान कल्पतरु हैं तो बिल्कुल कल्पतरु के समान एकदम सुंदर हैं, कामदेव के समान एकदम मनो की प्रतिमा वहां विराजमान है और उनका वर्धापन दिन मनाया जा रहा है। मैं भगवान को वंदन करता हूँ और जितने भक्त वहां पर ठाट बाट से भगवान की पूजन कर रहे हैं अभिषेक कर रहे हैं उन सबके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। बोलो श्री कल्पतरु कुंतनाथ भगवान की जय। तो अब आप समझिए कि ये प्रकृतियां अशुभ प्रकृति कौन कौन सी होती है? ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, मोहिनी की 26, अंतराय की 5, मतलब
अंतराय कर्म जो अशुभ कर्म है, और नरक गति, त्रियंच गति, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जाति, पंचेंद्रिय शुभ नाम कर्म है और बाकी चार इंद्री अशुभ नाम कर्म है। शुभ कैसे जानी जाती है, आपने क्या पूछा है, वो कौन सी, क्या पूछा आपने, चार जातियां, समचौरस संस्थान को छोड़कर के पांच पर पांच संस्थान, मतलब जो श्रेष्ठ है उसको छोड़कर के पांच, और उत्तम सेनन को छोड़कर के पांच सेनन, अप्रशस्त और प्रशस्त के भेद से स्पर्श आदि दो प्रकार का है, उसमें अप्रशस्त स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, और नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहाय गति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादे, अयशकीर्ति, ये 34 प्रकृति नाम कर्म की नरकायु और असत वेदनी को मिलाकर करीब 82 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा था पुण्य प्रकृतियां, तो 37 नाम कर्म की 37 प्रकृतियां वो जो है पुण्य प्रकृति है, शुभ प्रकृति है, उसमें शुभ आयु, शुभ आयु में तीनों आयु ली गई है, मनुष्य आयु, त्रियंश आयु और देवायु, ये शुभ है क्योंकि इनमें आप जो है रह करके धर्म कर सकते हैं, समय दृष्टि बन सकते हैं, रत्नत्रय को धारण कर सकते हैं, और ये पुण्य के उदय से प्राप्त होती है, इसलिए पुण्य प्रकृति है, और पाप कर्म के उदय से नरक गति मिलती है, नरक आयु मिलती है। तो एक बात जान लीजिए, अच्छा रीना ने पूछा त्रियंश गति शुभ कैसे है, त्रियंश गति में जाने के पश्चात, मैंने कल ही बताया था, आज फिर बता रहा हूं, त्रियंश गति में जाने के पश्चात क्या वहां पर समय दृष्टि बन सकता, नहीं बन सकता है, समय दृष्टि बन सकता है, वो देशवती बन सकता है, नहीं बन सकता है, देशवती बन सकता है। तो एक तो धर्म की अपेक्षा से भगवान के समूह शरण में एक कुठा त्रियंश का होता है स्थान उनके लिए, पशुओं के लिए, इसलिए समूह शरण है, इसलिए त्रियंश गति शुभ मानी गई है क्योंकि वह समय दृष्टि बन सकता है, धर्माता बन सकता है, देशप्रति बन सकता है, देव से भी श्रेष्ठ कदंचित त्रियंश प्राणी, देव तो श्रेष्ठ है ही है, पर जो त्रियंश प्राणी हाथी है, घोड़ा आदि है, यदि वह सम्यक दृष्टि बन गया और देशव्रत धारण के लिए, जैसे वो शियार था या शेर था या हाथी था, तो शेर ने भगवान महावीर समय के जीव ने पंचव्रत ग्रहण कर लिए, वो देशव्रति बन गया, वृत्ताव्रत बन गया, पांचवा गुण स्थान बन गया, और देव कितनी भक्ति कर लेवे, कितनी पूजन कर लेवे, कितना ही कुछ कर लेवे, लेकिन देव लोग संयम धारण नहीं कर सकते, संयम नहीं बन सकते, इसलिए देवों का चाहे सर्वार्थ सिद्धि का हेमेंद्र क्यों ना हो, स्वर्ग का सौदेमेंद्र क्यों ना हो, वह इंद्र जो है चौथे गुण स्थान से आगे नहीं जा सकता क्योंकि उनको बिल्कुल कर्म भूमि का त्रियंश सर्व के देवताओं से भी श्रेष्ठ कौन, जो रत्नत्रय धारण कर लेवे, समय दृष्टि बन जावे, तो समय दृष्टि देश प्रति, देश प्रति का धारण करने वाला जो त्रियंश होता है वो त्रियंश सौदम इंद्र से भी कथन श्रेष्ठ है। बिल्कुल, और जो धर्म का पालन नहीं करे, धर्म पालन नहीं करने वाला देव ही त्रियंशों से गया बीता है, और इंसान तो गया बीता है ही है, इसलिए पंडित आशाधर जी ने कहा है पशुत्वेपि नरायन्ते सम्यक्तयुक्त चेतनः नृत्वे पशुयन्ते मिथ्यात्वग्रस्त चेतसः, पशु भी सुरायन्ते सुर बन जाते हैं, कब बन जाते हैं, सम्यक्तयुक्त चेतना से, और देव भी पशु बन जाते हैं मिथ्यात्व से युक्त होने पर। रत्नगण शास्त्र में क्या आता है, स्वापि देवोपि देवः श्वा जायते धर्म किर्विषाद कापि नाम भवेतन्य संपत् धर्माश्रीणाम, श्वापि देवोपि देवः, मतलब श्वा मतलब कुत्ता भी देव बन जाता है और देव भी कुत्ता बन जाता है, धर्म किर्विषाद धर्म को धारण करने से देव भी कुत्ता बन जाता है। एक कुत्ता वो जा रहा था और जाते जाते उसने कुछ तापसी लोग
वहां पर हवन कर रहे थे, उनका ध्यान नहीं था और उसने उन उसने जाकर कुत्ते ने उन तापसियों की हवन सामग्री को झूठा कर दिया। तो झूठा करने पर एक तापसी ने देख लिया तो उन लोगों ने उस कुत्ते को इतना मारा कि वो मरणासन्न हो गया, अधमरा हो गया और वहीं से जीवंधर कुमार गुजर रहे थे, जा रहे थे। तो जीवंधर कुमार ने देखा कि ये कुत्ता घायल मरणासन्न है, तो क्या किया, उन्होंने पूजन की सामग्री वहीं साइड में रख दी। जीवंधर कुमार जो कि सोले के वस्त्र पहन करके अष्टद्रव्य पूजन की सामग्री अपने घर से मंदिर को लेकर जा रहे थे, उन्होंने पूजन की थाली वहीं नीचे रख दी और उस कुत्ते के पास पहुंच करके उसका सिर अपनी गोद में लेकर के हाँ और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए जीवंधर कुमार ने उस कुत्ते को नमोकार सुनाया। तो नमोकार मंत्र सुनने से ये नहीं सोचा कि हम तो शुद्ध हम तो अशुद्ध हो जाएंगे, हम तो हमारा सच सोलह बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। उस जीव के पहले प्राण जो जा रहे थे उसको नमोकार सुनाया, तो नमोकार को सुनने से वह कुत्ता मर करके स्वर्ग में देव बना, यक्ष बना। और कुछ तापसियों ने जाकर के राजा को भड़का दिया, कहा कि यह जीवंधर कुमार महादुष्ट है, कुत्ते ने हमारी सामग्री झूठी की और इसने उसका ध्यान नहीं दिया, तो इस कारण से कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया जीवंधर कुमार के ऊपर। तो वो जो कुत्ता यक्ष बना था, अवधि ज्ञान से उसने जाना कि भाई मैं यक्ष कैसे बन गया, तो पता चला कि मैं तो एक साधारण तिर्यंच प्राणी था, कुत्ता था, लेकिन मुझे जीवंधर कुमार जी ने नमोकार मंत्र सुनाया। बस ये ध्यान में आया और पता चला कि अरे जो जिसने मुझे नमोकार सुनाया है आज उनके प्राण संकट में है, सेना खड़ी हुई है सामने। तो तुरंत यक्ष वो आ गया और यक्ष ने आकर के वहां पर पूरी सेना लगा दी, इतनी बड़ी सेना वहां पर आ गई कि वो सेना हार करके भाग गई। तो कुल मिलाकर के शापी देवपी दिवा, मतलब धर्म के कारण से, एक नमोकार मंत्र को सुनने के कारण से वो कुत्ता मरकर क्या बन गया, देव बन गया। और जो देव हैं, छह डाला में आता है, जो विमान वासी हूं थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तैते चय था वर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। जो विमानवासी उठाए, विमानवासी देव बन गया परंतु सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाता है। जब उसके मरने का समय आता है, छह महीने पहले माला मुरझाती है, तो माला मुरझाने पर जो मिथ्या दृष्टि भवनवासी व्यंतरवाप का कल्पवासी देव है, विमानवासी देव है, वो क्या सोचता है कि मैं वापस कहाँ जाऊंगा, वो नौ महीने किसी स्त्री के पेट में कैसे रहूंगा, मुझे नहीं रहना। तो सोचता है कि मैं तो फूल बन जाता हूँ, मैं फल बन जाता हूँ, मैं रत्न बन जाता हूँ, इस प्रकार का निदान करता है और निदान करके वो जो देव है मरकर वापस एक इंद्री बन जाता है। अच्छे तालाब का पानी, कुएं का पानी, मीठा पानी या अच्छे सुंदर सुंदर रत्न या सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर फल, ये सब जो है वो जो स्वर्ग के आए देवता हैं वही यहाँ पर बनते हैं। एक बात और कि अब जो फूल भगवान को चढ़ता है तो उसी धर्म के कारण से, फूल चढ़ने के कारण से वो जो एकेंद्री जीव है वह उस फूल के चढ़ने के कारण से उसी पुण्य से जा करके सब प्रयास से मुक्ति पाता है। तो धर्म से कुत्ता भी देव बन जाता है और पाप से देव भी कुत्ता बन जाता है। ये जो आया यहाँ पर 25-26 सूत्र के अंदर में कि पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति, तो पुण्य प्रकृति कैसे बनती है आप ये समझ लीजिए। जब आपके शुभ भाव होते हैं, जितनी देर आपके शुभ भाव रहते हैं, आप भगवान का अभिषेक कर रहे, भगवान की पूजन कर रहे, मंत्र जाप कर रहे, आहार दान आप दे रहे, स्वाध्याय कर रहे, माला जाप कर रहे, और उससे सबसे बड़ी बात है कि समता में परिणाम, मूल धन समता है। समता सर्वभूतेषु संयमेषु भावना आर्थ पिताग्रस्त सामायिक मतम। जब तक आपके शुभ परिणाम हैं, समता के परिणाम हैं,
आनंद के परिणाम है, तब तक आपको शुभ का बंध होगा। और जहां कुछ भी ना करते हुए भी भले चित्र में कितना अभिषेक करो, कितना उपवास करो, कितना मंत्र जाप करो, कितना माला फेरो, ये तुम्हारे परिणाम संकलेश है, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, तो संकलेश परिणाम आपको पाप का बंध कराएगा। बिल्कुल, मन चंगा तो कठोतिम गंगा, मन चंगा है तो गंगा कठोती के अंदर आपके मंडल में आ जाएगी, और मन चंगा नहीं है तो भगवान सामने होकर के भी भगवान साक्षात्कार आपका नहीं हो सकता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में आता है सर्वस्वामी शुद्धि नाम मन शुद्धि, मतलब सारी शुद्धि में मन की शुद्धि सबसे बड़ी। यदि आपका मन शुद्ध है तो मन के शुद्ध होने पर वचन भी शुद्ध ही निकलेगा, और वचन शुद्ध होगा साथ में काय भी आपकी शुद्ध हो जाएगी। सबसे ज्यादा अशुद्धि यदि हमारी बढ़ती है तो अशुभ परिणामों से हमारी अशुद्धि होती है। इसलिए पंथवाद छोड़ करके, ग्रंथवाद छोड़ करके, जातिवाद छोड़ करके, मतवाद को छोड़ करके हमें हमारे परिणाम समतामय बनाना है। जितनी समता है, शांति है, आनंद है, सुख है, वही कर्म काटेगा। इसलिए हमारे माताजी ने पूजन में लिखा है, आनंद मुझे धर्म में जिस क्षण भी मिलेगा, भव रोग मेरा वो ही एक काल हरेगा। धर्म करते हुए जहां आपको आनंद आ गया, वही आनंद ही आपके कर्म की श्रृंखला को हर लेगा। इस संबंधी कोई प्रश्न आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर दोनों मनीषी बैठे हुए हैं, तीन माताजी बैठी हुई हैं, आपको कोई प्रश्न तो आप पूछ लीजिए। और डिवाइस पर जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर हमारा प्रवचन को सुन रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, लगभग 108 डिवाइस यहाँ पर हैं, मैं सभी से आह्वान करूंगा कि इस संबंध में कोई प्रश्न आपका तो आप पूछ सकते हैं। आहार देते हुए ध्यान रखना। हाँ, देखो जैसे आप आहार करते हो, अब जो आहार जो भोजन करते हुए आपने अच्छे से भोजन किया और अच्छा भोजन किया तो अच्छा काम करेगा, और जितने भी आपने गलत खा लिया, जैसे आपको दूध के ऊपर खटलने पे उल्टी हो जाती है, एक दिन आपने ध्यान रख लिया, अगर ध्यान नहीं रखा आपने तो दूध से खट्टा खा लिया आपने, तो क्या होगा, उल्टी होगी नहीं होगी, हो जाएगी। ऐसे ही एक दिन हमने बहुत शांति से आनंद से पूजन कर ली और बाकी संकलेश आ गया, तो जहां तुम्हारे संकलेश आ गया वहीं तुम्हारे कर्म बंद हो जाएगा। उसमें और करेला और नीम चढ़ा, कैसा कि यदि आप बाहर कहीं किसी स्थान पर कर्म करोगे तो वहां पर जो कर्म बंधेगा उस कर्म का प्रक्षरण धर्म के क्षेत्र में होगा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, अन्य क्षेत्र में किया पाप यहां भगवान के अभिषेक से, पूजन से, स्वाध्याय से, गुरु को आहार दान देने से, उनकी सेवा करने से कर्म कटेगा, लेकिन धर्म क्षेत्र कृत पापम यदि हम भगवान के सामने ही, देवशात गुरु के सामने ही, गुरु के सामने, जिनवाणी के सामने, भगवान के सामने हम संकलेश करते हैं, राग द्वेष करते हैं, पाप का बंध करते हैं, तो ये कर्म जो बंधेगा वो कैसा बंधेगा, बदल लेप हो, बदल लेप के समान बंध जाएगा, बदल लेप हो जाएगा, कहीं नहीं छूटेगा। किसी भी निमित्त से आए, चाहे मेरे निमित्त से आवे, चाहे किसी के निमित्त से आवे, किसी भी कारण से आवे, मूल कारण आपका है। आपके अंतरंग में क्रोध कषाय का उदय हुआ है, वो आपका अंतरंग है, निमित्त और दूसरा कुछ ही बन जाए। इसलिए अपनी समता नहीं जावे। साधु का स्वरूप बताया हुआ है कि विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश्चिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते। ये ध्यान रखना, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, तो विषयों की आशा नहीं हो और समता रूपी धन जिनके पास में हो। यदि समता धन है तो आप धनवान हैं, और समता नहीं है तो कितने धन आ जाए आप कंगाल हैं।
बिल्कुल। सुवर्णा जी ने पूछा कि हम पूजा श्रद्धा से करते हैं पर मन बड़ा चंचल है, ये तो चला जाता है, तो क्या मन को चंचलता से बचाना है? तो आप जब पूजन करते हो तो अकेले लकीरें मत पड़ते जाओ। जैसे आप मेरे साथ विधान कर रहे हो तो विधान करते समय हर एक लाइन का मैं अर्थ आपको बतलाता हूं, तो क्या बिना जाने बतलाता हूं? पहले मैं स्वयं पढ़ता हूं उसका अर्थ समझता हूं तो मैं आपको बतलाता हूं। बिल्कुल। यदि आप रोज वही एक पूजा करते जाएंगे देवशास्त्र गुरु पूजा, तो पूजा आपके लिए लकीर की फकीर हो जाएगी, आप रट्टू तोता हो गए। और यदि आप हर दिन नई नई पूजा करते रहोगे जो आपको याद ही नहीं, ऐसी नई पूजा आप करोगे, ध्यान आप लगाओगे, उसके अर्थ को समझोगे, तो आपका मन लग जाएगा, कहीं आपका मन रुकेगा नहीं, है कि नहीं? देखिए आप, तो जैसे आप एक पिक्चर को एक बार देख सकते हो, बहुत अच्छी लगी दो बार देख लोगे, पर तीसरी बार नहीं देखते। नई पिक्चर आप देखने बैठते हो, आपके तीन तीन घंटे निकल जाते हैं। नई धारावाहिक आते हैं, सीरियल आते हैं, उन धारावाहिक में आपके सालों साल निकल जाते हैं, मन आपका लगा रहता है। ऐसे ही आपके पास में इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे विधान हैं, छोटे विधान हैं, बड़े विधान हैं, उन विधानों को आप करिए, नई नई पूजा करते जाइए, आपका मन एकदम लगा रहेगा, कहीं चंचल नहीं होगा आपका। आप 16 दिन का शांति विधान किया, आपको अच्छा लगा। अब आप बताइए कि अभी आज 14 दिन है, आज 6 तारीख है, और 2 जनवरी से अपन ने वो 3 जनवरी से अपन विधान शुरू किया है, हर दिन नए विधान आप कर रहे हैं, तो मुझे आप बताओ कि जो विधान आप कर रहे हैं आप कैसा लग रहा है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिख के भेजो आप मुझे, मन लग रहा है कि नहीं आपका विधान में? भाई आपका लगे ना लगे, मेरा तो बहुत मन लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, इसलिए हमेशा नवाचार करते रहिए। बिल्कुल, बहुत मन लगता है, आप लिख रहे हैं, बहुत मन लगता है, सही बात है। और मैं क्यों करा रहा हूं? क्योंकि मैं आचार्य हूं, और आचार्य कौन होता है? जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, इन पंच आचारों का स्वयं पालन करे और शिष्य से पालन कराए, वो आचार्य कहलाता है। तो मेरे लिए 6 आवश्यक बताए हैं, वो 6 कौन से हैं? समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक है कि नहीं? सबसे पहला काम मुझे समता में रहना है, और जो भी मेरे पास में है उसको समता में रखना है। ना रहे तो प्रयास किया जाए, प्रयास करके सफल नहीं हो पाए तो मध्यस्थ हो जाओ, तो फिर मध्यस्थ हो जाइए। समता में रहना हमारा मूल धर्म है, और जो भी साधु बना है, चाहे वो छुल्लक हो, छुल्लिका हो, देखो प्रेरणा लिखा है कि सही है, नया विधान इसलिए ध्यान सुनते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, नए को देखने की इच्छा रहती है, और रोज वही, हाँ वही चल रहा है, हाँ वही चल रहा है, बोर हो जाते हैं। भक्तांबर, इसलिए भक्तांबर पाठ में हर दिन नया अर्थ लगा रहा हूं। हाँ, सुवर्णा जी लिखा है कि आप पूजन करो तो बहुत आनंद आता है, क्यों आता है? क्योंकि मैं स्वयं कराता है, हम स्वयं कराता है, आपको बतलाते हैं, आपको समझाते हैं, और आप समझते हैं। यदि हम लकड़ी सीधे से पढ़ते जाएंगे ना उसको, तो उसमें भी आपको आनंद नहीं आएगा, है ना? ज्ञान के रहस्य को आप समझेंगे, इसलिए मैंने कहा है कि जो अभी विधान चल रहे हैं, ये विधान आपके लिए स्वाध्याय भी है, भक्ति भी है, पूजा भी है, और साथ में आपका आत्म कल्याण, एक पंथ अनेक काज। आप विधान कर रहे हैं तो आपका विधान हो रहा है, आपकी श्रावक धर्म का पालन हो रहा है, आपकी देव पूजा हो रही है,
गुरु उपासना हो रही है, स्वाध्याय आपका हो रहा है, दान हो रहा है, ये चार कर्तव्य आपके हो जा रहे हैं और इतनी देर में आप संयम में हैं। श्रावक के भी हो रहे हैं, तब भी हो रहा है आपका, क्योंकि तब किसी का इच्छा को निरोध करना था, फिर आपने इच्छा को निरोध किया, आप बैठ गए कि भाई मेरे को पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, इतनी देर में न खाना है न पीना है न टीवी देखना, तो आपका तब भी हो रहा है। ऐसे मेरे भी छह आवश्यक कर्तव्य का पालन हो रहा है, समता स्तुति वंदना सब मेरे पालन हो रहे हैं। आप घर बैठ के आप पूजन कर रहे हैं, एक पूजन में कितना आप लाभ दे रहे हैं। बिल्कुल, रेखा जी ने लिखा है नमस्तु गुरुदेव, विधान करने में बहुत मन लगता है, कल शाम को राज स्वाध्याय करते हुए पानी नहीं पिया, हाथों की अकड़न खुद की ठीक हो गई। अभी इतनी सर्दी वहां पड़ रही है रोहतक में दिल्ली तरफ कि रेखा जी जो हमारे बीच में हैं वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ की उंगलियां कई बार अकड़ जाती हैं, लेकिन अभी यहाँ पर बैठ करके जो स्वाध्याय कर रहे हैं और विधान कर रहे हैं, तो विधान करने से खूब आनंद ले रहे हैं। श्रद्धा संजय सोवेद करने लिखा, अच्छा लगता है, बढ़िया है, तो इसलिए मैं करा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी इतने सारे विधान हमारे पास में हैं, अभी लिखे हुए तो 24 ही हैं, आप साल भर पर तो भी कम पड़ जाएगा आपको। इसके अलावा विजय पताका है एक, मेरा विधान रत्नत्रय विधान है, उस रत्नत्रय विधान 917 उसमें आते हैं, पांचों परमेष्टि का विषय उसमें आता, 24 शनिवार उसका ले लेंगे। बिल्कुल 365 डे खुले। अब कायस्थ करते समय आपने पूछा है कि आंख खुली रहे या बंद रहे, यदि भगवान के पास में है तो भगवान के पास में आप बैठे तो आप खुली आंख से भी आप वहां पर कायस्थ कर सकते हैं, पर जब एकांत में है, भगवान नहीं है, देवशास्त्र गुरु नहीं है, तो वहां पर आप आंख बंद करके कायस्थ कीजिए, तो ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज 8वें अध्याय का अंतिम सूत्र समझा, 26 सूत्र कुल इसके अंदर हैं, 25 सूत्र में कहा गया, अच्छा अनीश भाई उसने कुमेर से लिखा है, गुरुदेव आप विधान कराते हैं तो समझा समझा कर आप विधान कराते हैं, इसलिए हमको अच्छा लगता है, और यदि संगीतकार आवे वो गाता रहे, पंडित जी मंत्र बोल के चढ़ाते रहे, और कोई आचार्य ना हो, कोई साधु ना हो, समझाए नहीं, तो क्या आनंद आवे, फिर तो सभी सब जो है बाके बिहारी बन जाए, ऐसा हो जाता है। कोमल विशाल भैया और कोमल जैन जो कि बैंकॉक में हैं, आपने लिखा है, गुरुदेव हमारे लिए ऐसे खजाना मिल गया है, यहाँ आके ऐसा लगा था कि हम धर्म से दूर हो रहे हैं, पर रोज विधान देखकर और शाम को स्वाध्याय करके बहुत आनंद मिल रहा है। थाईलैंड में भैया हमारे बैंकॉक में, कोमल जैन और विशाल जैन उनका पूरा परिवार, बहुत बढ़िया, अच्छी भावना आप सबकी है। तो आज हम लोगों ने 8वें अध्याय को पूरा किया है, और बहुत जल्दी जैसे ही व्यस्तल भाई फ्री होते हैं तो आपको ई पेपर आपको आ जाएगा, 8वें पेपर का, 8वें अध्याय का, आप एग्जाम देने को तैयार हैं। अच्छा, हमारे पेपर जा चुका है, उसको रिटर्न उसको करना है, मैं चाहूंगा कि जल्दी जुड़े और लाभ प्राप्त करें। मैं देख रहा हूं कि विधान के साथ में स्वाध्याय का ज्यादा फल मिल रहा है, यूं विधान में आप रहते थे लेकिन अभी स्वाध्याय भी चल रहा है, तो करीब करीब 108-109 डिवाइस यहाँ बैठ कर लाभ दे रहे हैं, मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। और आज का हमारा कोड है, आज का यूनिक कोड है 4-4, क्योंकि आज हमने 4वें तीर्थंकर भगवान पूजन की है, ये लाभ प्राप्त किया है। आज का नियम मेरा आपके लिए है कि कल आते समय आप, हाँ आज का कोड 4 है, कल आप और लिंक बराबर खुले इस तरह व्यवस्था बना दो, भाई कई लोग शिकायत करते हैं कि लिंक नहीं खुल रही है, जो भी आप जुड़े हुए नहीं है मयूरी सेठी का नंबर आप ले लीजिए, उसे संपर्क कीजिए और आप ग्रुप में जुड़ जाइए। धीरज कासीवाली हमारे बीच में है, अच्छा अच्छा अभी तुरंत ही आप लिंक खोल दीजिए, और ये लिंक जो है ये खुली रहे तो जिसमें आप भर देवे, और प्रश्न भी आप तुरंत डाल दीजिए, जो प्रश्न उत्तर है वो ई रूप में डालिए, आप डायरेक्ट डाल रहे तो लोग खोल नहीं पा रहे, उसको ई के रूप में आप डालेंगे तो बराबर उसके अंदर ऑप्शन के अंदर भर पाते हैं। यदि वसल को समय नहीं है तो धीरज भाई मयूरी कुछ प्रकार से उसको सेट करके समझ लीजिए और तुरंत आप डाल दीजिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ मयूरी सेठी को, धीरज कासलीवाल को, वसल भैया को,
श्रेयांस खबड़े को, राहुल को, नितिन खाते को, जो भी हमारी टेक्निकल टीम है और जित सदस्य उसमें लगे हुए हैं, डॉक्टर प्रेरणा महाजन भी इसके अंदर लगी हुई है, मैं उनको सबको आशीर्वाद देता हूँ और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी निरोगी रहें, दीर्घायु हो और निरंतर आप स्वास्थ्य का लाभ लेते रहें। आज का नियम है कि आप महान भाव पांचवें अध्याय का जो पांचवी भगवान सुमतिनाथ की पूजन है उसको पढ़ करके आना। हाँ, बहुत सारा आपको आशीर्वाद है भाई सभी के लिए। और पुनः मेरा आह्वान है कि 26 जनवरी को होने वाले महामस्तकाभिषेक में अपनी अपनी ओर से कलश बुक कराइए। आप कलश बुक कराएंगे तो कलश भी आपके द्वारा किया जाएगा, हाँ तो पुण्यार्थक के रूप में आपका फोटो स्पेशल विमानी प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा, धर्म का प्रचार भी होगा, पुण्य का संचय होगा, तो सभी लोग जुड़े और पुण्य संचय करें। सभी के लिए मेरा आशीर्वाद। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरो सदा ते लोक, हे जिनवाणी भारती तोहि जपो दिन रहे, जो तेरा शरणालहे सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत नित गुरु सेव निर्गन, दया धर्म पालो सदा ही मुक्ति का पन, धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण, धर्म साधे बिना हरिहर मोक्ष पद कर धर, विमान नहीं कर निंदा को निवारी है, छोड़ में संसारी संग ध्यान तक पूरा चूरन, सुमति सो करो संग बड़ो उपकारी है, मुनि मन निरंतर समय कटत करम बंत नव तत्व धारी, संयमति करो जप बारह वेदी धारो तप, ऐसे मुनि राम सबको वंदना हमारी है, ऐसे ऋषि राम सबको वंदना हमारी है, यहाँ आप देख रहे हैं भगवान श्री आदिनाथ स्वामी विराजमान है और साथ में मुनि श्री विनय गुप्त जी, मुनि श्री विमल गुप्त जी और चुल्लिका धन्यश्री माता जी, चुल्लिका आचार्य गुप्त नंदी जी और साथ में आपके लिए यहाँ पर गणनी आरिका आस्था श्री माता, ये सब यहाँ विराजमान हैं, उनका आप दर्शन कर रहे हैं। कहा माता जी, अच्छा आगम सुबह है क्या, अच्छा होता है महिला ने कैश पे कीजिए। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात्र भक्ति भाव से किया, दिव्य देश नाम महान है दिनेश आपकी, मात अर्चना हरे प्रवचना विभाव की, मात अर्चना हरे प्रवचना विभाव की। पहले लो मास्टर कम से कुछ ले लो। ओम ब्रीम द्वादशांग जिनवाणी माचरणे प्यो जल प्लादि अर्गण पामती स्वाहा। आचार्य कुंत सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी है सद्ज्ञान दिवाकर, जिन धर्म का डंका बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोलो वंदे कुंत सागर, जय 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 गुरु देव की, जय हो जय गुरु देव की। ओम ग्रंथ करता हूँ जो चढ़ा रहे हैं उनको ले लो सामने। ओम रिमोक्षाद ग्रंथ करता हूँ मौसम आचार्य गुरुदेव चढ़े भ्यो, आचार्य श्री गुरुदेव चढ़े भ्यो, जय फलादि गुण पाम ती स्वाहा। साक्षात राजमान श्री चरण महाकेंद्रमोदेव सब भक्तों के लिए हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। ध्यान दीजिए सुबह 7 से 8 के बीच में जो भी जुड़ते हैं और अभिषेक का लाभ लेते हैं वो कहें चाहे ना कहें, हमने भावना भाई है कि जो अपना समय दे रहा है सुबह जल्दी उठ रहा है, उस प्रत्येक श्रावक का जिसकी डिवाइस पर हिंदी या इंग्लिश में नाम रहेगा उसके प्रत्येक की शांतधारा शुरू हो चुकी है, निःशुल्क शांतधारा शुरू हो चुकी, महाशांतधारा उसका नाम बोला जाता है, तो आप टाइम से जुड़े और लाभ प्राप्त करें। जो भी जहां से हैं सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। अभी शाम को 6:30 बजे पुनः आप इसी आईडी पर तैयार रहें, अभी महाभक्तांबर की कथा, भक्तांबर का रहस्य समझने के लिए और महामृत्युंजय का जाप करने के लिए आप सभी तैयार रहें, सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद।
जी नमस्ते बुद्ध। जैसे कि गुरु ने हमें कहा था कि वो सभी का नाम लेंगे शांति धारा में, वैसे ही हमें भी उनके लिए सभी को जोड़ना है। और जोड़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करना है और अपने अपने तरफ से 5 लोगों को ही जोड़ना है। तो सभी से निवेदन है कि रोज 5 लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, और शाम को 6:30 बजे हम रोज भक्तांबर विधान करते हैं। तो प्लीज सभी जुड़कर लाभ लीजिए और पुण्य कमाइए। जय बोला आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। नमस्ते गुरुदेव। आप सभी को अनम्यूट कर रही हूँ। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव।